सुनिए जी, वो कहा है ना, वो गुंडा को मारते मारते ना हाथ बहुत दुख रहा है, आप मुझे अपने हाथों से खाना खिला देंगे? बस एक मिनट नहीं रुक सकते थे? ये राहु केतु का मैं क्या करूं इच्छा पूर्ति मैया? अब ठीक है? हम ठीक है। आपको इतनी जल्दी जल्दी खाने की क्या जरूरत थी? आराम से भी तो खा सकते थे ना। अबे नारद, तुम्हारा गाड़ी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? गाड़ी वाला को तो रुके 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 पता करते हैं। ए, इतना देरी है? आप पहुंचो, पहुंचो जल्दी आप। ए भैया, गाड़ी नीचे आ ही गया है बस। और ये बाबू का क्या कर रहा है? इनको भी साथ में लेके चलना है रागिनी के ससुराल। अरे भैया जाने दो ना, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। पता चल गया तुमको, पाप हो गया तुमसे। कैसे पाप हो गया था भे? जी के बड़ा है। कैसे पाप हो गया था तुमसे? ये देखिए का टाइमिंग है, गाड़ी भी आ गया है और ये लोग भी प्रसाद लेके आ गए। तो आप लोग अपनी गाड़ी से चलिए, अब आखिर लल्ला को हम अपनी गाड़ी में लेके आते हैं। चलिए निकलते हैं। चलो हो महाराज। कुछ भी हो लेकिन आज के कांड से हमारे मिस्टर हमारे थोड़ा पास तो आए हैं। हमारे मिस्टर को मारेगा तू? कुछ भी हो, आज इसने अपनी जान पर खेल के हम सबकी जान बचाई है। जैसे भी हो लेकिन पूरे मन से हमारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और आज तो इन्होंने वो सब किया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अरे तो बतिया लीजिए ना, का हर बात हमें से पूछे का आप? हाँ देख लीजिएगा भाई, पराग बाबू आपका खेला हो गया। अरे पराग बाबू। चाचा जी। अरे पराग बाबू, ये किसको पकड़ लिया? ये हमारे उस्ताद हैं। अच्छा चाचा जी एक बात बताइए ना, घर में कुछ रस्सी है पगावगा बांधना ना है इनको? बहुत मेहनत करके आ रहे हैं ये, लेके चलते हैं जरा तय खाने में। हाँ वो तो है, पर
माँ अभी हम सब बहुत थके हुए हैं, आपसे आराम से बात करेंगे, सब बताएंगे। मम्मी कहा है ना, जब हम मंदिर जा रहे थे ना दर्शन के लिए, तब हुआ है? अब होना कहा था सासू मैया, एक गुंडा लोगों का ना दूसरा टोली हमें घेर लिया। जो कुछ भी हो, लेकिन आज रागिनी की हिम्मत और विश्व की समझदारी से हम सबकी जान बची है। राहुल सब तो ठीक है, पर इस सब के पीछे हाथ किसका है? कुछ बगाई ससुरा? मुखियाई नहीं थी, मुंह दिखाई के लिए आई थी, सब उसी का एक करा धरा है। मुखियाई? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर की इतनी छोटी लड़ाई का वो इतना बड़ा बदला लेने की कोशिश करेगी। That's so weird. भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कोनो बहुत बड़ा अनिष्ट नहीं हुआ। हाँ भैया, कोनो अनिष्ट नहीं हुआ, कैसे की इच्छा पूर्ति माई का कृपा था इनपे। लेकिन वो जो मुखियाई ने ना, उसका तो अनिष्ट होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। उसके घर में घुस के मारेंगे हम उसको, छोड़ेंगे नहीं। मत छोड़िए ना ब्रजवान जी, हम तो हमेशा से ही खुद को इस परिवार से जुड़ा हुआ मानते आए हैं। उस दिन भी देखो, हम सबसे पहले आए थे मुंह दिखाई के लिए, लेकिन ये परिवार है कि हमको ही अपना दुश्मन मानता है। मुखियाइन, ये तुम्हारा ये परपंच है ना, ये हमारे सामने नहीं चलेगा। तुम्हारा मुंह दिखाई हम ऊपर करवाएंगे आज। ब्रज, ये का पागलपन है? जानवर को काबू में करना है तो इंसान बनो, जानवर नहीं। भैया हमको न रोकिए आप आज, बहुत बड़ा भूल क्या ही मुखियाइन ने आज ये घर के बच्चा लोगों का मारने कोशिश किया है, और उनसे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं भैया, इसको हम सजा देके रहेंगे। ब्रज, हम भी चाहते हैं कि इसको सजा मिले, पर इसको सजा कानून देगा, तुम नहीं। तुम पुलिस को खबर करो, जो करना है वो करेगी। चलो करो खबर पुलिस को, हम भी देखें कि पुलिस हमरा का कर लेती है। भैया ब्रज, वो का है ना, ये पुलिस और कानून का खेल हम बहुत खेले हैं। ऐसे ही ये गांव की पंचायत के मुखिया नहीं है हम। साला बोलो, सांप फन उठा के काटने को तोड़ा और लाठी देखते ही बिल में घुस रहे। मुखियाइन का कहना चाहती हो कि ये सब जो हुआ है इसके पीछे तुम नहीं हो क्या? अगर है भी तो तुम ये साबित कैसे करोगे? पड़की बहुरिया, खोपड़ी खोल दे तुम्हारा बिना सबूत के। हाँ, फिर ये भी सबूत नहीं रहेगा कि तुमको कौन मारा।
रागिनी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तेरी की सारी है जी, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। पराग भैया ये पकड़ो, साबित तो ना हम 2 मिनट में कर देते, पर क्या है ना कि हम प्रॉमिस किए अपने मिस्टर जी से कि हम बंदूक नहीं उठाएंगे, इसलिए तुम्हारा जबान है ना ये हमारा बंदूक नहीं, पुलिस के डंडे खुलवाएगी अब, समझी? हाँ हाँ, बुलाओ पुलिस को, हम भी देखते हैं कि ये 2 टके के गुंडे के कहने पर पुलिस कैसे गांव की मुखिया इनको गिरफ्तार करती है। इसके गवाही का कोई कीमत नहीं है। रागिनी जी नमस्ते। नमस्ते का टाइम है नहीं है दरोगा जी, हमारी फैमिली पे ना पूरा जानलेवा हमला हुआ है। गुंडा को तो हम धर लिए, अरे हमें जान से मारने का कोशिश किए, वो भी मुखिया इनके कहने पर। अब तुम्हारे पास जितना धाराएं हैं ना सब लगाओ इन पर, और इन दोनों को ना जेल के अंदर डालो। अरे ये महेश्वा की गवाही पे हमें जेल में डालिएगा दरोगा जी, सारा गांव जानता है कि मुखिया के चुनाव में ये हमरे खिलाफ लड़ा था, विरोधी है हमरा, और एक नंबर का लालची जो 4 पैसा फेंकता है ये उसी की भाषा बोलता है। अब ई की इन लोगों से का दुश्मनी है ये हमका का मालूम, ये जाने और ई लोग जाने। अब ई काहे किया, किसके कहने पे किया वो तो इससे ही पूछो। हाँ हम इतना जानते हैं कि बिना किसी गलती के और बिना किसी सबूत के पुलिस हमें गिरफ्तार करने की तो गलती नहीं करेगी। मुखियाइन सही कह रही है, बिना किसी सबूत के इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन जेल तो जाना ही पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे हम जेल, हम भी ना सारा कानून जानते हैं। जरूरत से ज्यादा जानकारी किसी इंसान को मूर्ख बना सकती है। आप कानून जानती हैं, हम कानून पढ़े हैं। अब आप लोग शांत रहिए तो हम भी कुछ कहना चाहते हैं। रागिनी जी ये मुखियाइन बड़ा आसानी से साबित कर देगी कि गुंडा इसका आदमी नहीं है, लेकिन आज हम इसको दूसरा मामला में गिरफ्तार करने आए। दरअसल सृष्टि जी ने मुखियाइन के खिलाफ पहले एक RTI डाल रखा है और जांच में पता चल गया कि जो पैसा इसने स्कूल और सड़क निर्माण के लिए निकाला था उसमें भरपूर घपला किया है। आप नहीं जानती उनको, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो हमारा स्कूल कभी शादी के लिए भाड़े पर दे देती है तो कभी नाटक नौटंकी वालों को दे देती है, पूरा 2 दिन तक का पढ़ाई का नुकसान होता है सबका। तो कोर्ट से आज इसके खिलाफ वारंट भी निकला। अरे दरोगा जी ये सब कब हुआ? कब हुआ कैसे हुआ सब बताइए, थाना चलिए वहीं तफसील से बताएंगे आपको। ले चलो इन्हें और उसको भी पकड़ो, आज डबल फॉल्ट में धड़ाया है। और मुखियाइन आप भी किस फैमिली से पंगा ले लिए, या 2 ठो बहू है दोनों एक पे एक, एक में ताकत का जोर है और एक में बुद्धि भरमार है। एक से बचोगी तो दूसरी मारेगी। चलो अब हवालत का हवा खाओ, चलिए जी आइए आइए। ए मुखियाइन, अरे का देख रही है, दरोगा जी का बात बुझी नहीं है का? ये घर में ना बंदूक का गोली भी है और कानून का बोली भी, तो हल्के में ना लेना हमें, समझे ना? अब जाइए जाइए जाइए। चाहे जो भी हो ब्रजभान, पर आज एक बात कहेंगे हम, कि आज हमारी दोनों बहुएं हमारा घर के लिए लड़ी हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी का बात है।
हाँ लेकिन अगर रागिनी बहू उन गुंडों से अकेले ना भिड़ी होती तो पता नहीं कहाँ होता है। सच में रागिनी ने वहां मंदिर में जो बहादुरी दिखाई, नो डाउट आज हम सब उसकी वजह से यहाँ खड़े हैं। लेकिन सृष्टि की वजह से आज गुनेगार अपनी सही जगह मतलब जेल में। That's a very good thing. सृष्टि तुमने बिन बताए जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। अब सब ठीक हो गया माता रानी की कृपा से। चलो अब पहले सब लोग चलकर माता रानी को प्रणाम कर लो। हाँ हाँ चलो चलो बेटा। आज का दिन बहुत उथल पुथल वाला रहा, पर वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। चलो अब तुम लोग भी जाके सब आराम कर लो। हाँ हाँ माँ, आज तो ये सब सुनने और देखने के बाद ऐसा लग रहा जैसे अपने घर पे आया कोई बहुत बड़ा मुसीबत टल गया। खैर इस बात को अब यहीं खत्म करते। श्रीमती जी आपको भी वो भोर वाली गाड़ी पकड़नी है ना सत्संग जाने के लिए। अच्छा होगा आप भी जाके आराम कीजिए। हम आप सबके लिए इच्छा पूर्ति मंदिर का प्रसाद लाए हैं। हाँ हाँ हम भी मिठाई लाए, हमारा मतलब है कि प्रसाद लाए हैं। लीजिए तुम्हारी दीदी लीजिए। तुम दोनों बहुरियां यहाँ रुको। आज बहुत ही संकट के बाद तुम दोनों इच्छा पूर्ति मंदिर के दर्शन करने में सफल रही। आज हम तुम दोनों से एक बात कहना चाहते हैं। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से इच्छा शक्ति पूरा ना होती है, वहां से केवल शक्ति मिलती है उसे पूरा करने की। अब तुम दोनों ने वहां जो भी मांगा है उसे पूरा करने के लिए पूरे मन से कोशिश करना जी। और बड़की बहुरिया, तुमने जिस ताकत और बहादुरी से अपने परिवार की रक्षा की है वैसी ही ताकत अपना रिश्ता संभालने में लगाना। और छुटकी बहुरिया, तुमने जो आज सूझबूझ से काम लिया है और आगे भी ऐसा की तो ये घर भी आगे बढ़ेगा और विश्व की समझ भी अच्छी होगी जी। और हाँ, कल सुबह मंदिर में पूजा से दिन का शुरुआत करना। ही? जी दादी। आइए पराग भैया और बताइए हमारा और हमारे मिस्टर का कमरा आपको कैसा लगा? लगा ना अच्छा? बड़ा गजब है भाई। एकदम कंटाप है। एक बात पूछे तुमसे। पूछो। तुम लोग के बीच में सब कुछ ठीक है ना? थोड़ा बहुत समस्या तो था ना, लेकिन सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और आप देखिएगा भैया, हम बहुत जल्दी ना सब अपने कंट्रोल में कर लेंगे। अरे कैसा कंट्रोल में आ जाए, इतना देर से नीचे खड़ो के एक ही बात सुन रहे, वहां से यहाँ तक जान पे खेल के तुम अपने लेके आई हो। हाल के अंदर पूरा मोहल्ला उस सृष्टि का तारीफ कर रहा है। तुम कहती हो कि कंट्रोल में आ जाएगा। बात एकदम ठीक बोले हो,
की समस्या है ना, वो कानून की देवी है। लेकिन हम भी कम नहीं है, अपने पति देव को सारे कानून हम भी सिखाएंगे।